वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मैं कोशिश करूँगा 30 डेज रेगुलर ब्लॉग डालने का। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा जो शॉप है उसका मैं टूर दूंगा। मतलब जब शॉप दिखा तो वो बंद था, तो आज मैं शॉप मैं खुलूँगा और इस टाइम में दिखाऊँगा। जब मैं अभी मैं शाम के टाइम मैं शॉप खुलता हूँ, तो इस टाइम में आपको मैं शॉप दिखाऊँगा कि शॉप दिखने में कैसा लगता है, मेरा जो शॉप है वो कैसा है, कहाँ पर है, कहाँ क्या लोकेट करता है, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ है, नहीं है, मैंने कैसे इसको मैनेज करके रखा है, और भी कुछ आएगा शॉप्स में या मेरा शॉप में क्या क्या मैं कुछ लाने वाला हूँ, सबके ऊपर वीडियो आएगा। डेली ब्लॉग में लाऊँगा मेरा जो कुछ है। मैंने पहले कहा कि मेरा जो सब कुछ है वो मेरा शॉप है, मेरा टी बारी है। मेरा अभी 2 साल मोटिव है कि उसको मतलब एक अलग जगह में ले जाने का, तो कोशिश कर रहा हूँ, देखते कितना मैं सफल हो पाते हैं नहीं पता। मेरा तरफ से मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ, और साथ में अपना ब्लॉगिंग भी करूँगा, आपको रेगुलर अपडेट भी दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं अभी जाता हूँ मेरे शॉप में और मैं दिखाता हूँ मेरा जो शॉप है वो, दिखा दो कैसा क्या देखने में है नहीं है। और भी मुझे मतलब मैं और भी कुछ इंप्रूव करूँगा इस शॉप में। अभी थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ, जितना भी मेरा सेविंग्स हो रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा करके डेकोरेट कर रहा हूँ। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो ये है आउटर लुक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा काम होगा और मेरा टी बार, ठीक है, बाहर यहाँ पर सजा हुआ है। इसमें स्टिकर मैं लगाऊंगा, जो ब्लैंक है इसमें मैं स्टिकर लगाऊंगा। तो अभी ये जो भाड़ ये सब भाड़ यहाँ पे था, तो इस भाड़ को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, स्टिक करके देखने में अच्छा लग रहा है, और जो बाहर से को ज़्यादा तो अट्रैक्ट तो ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मेरा बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर मेनू में ऐड करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो वहाँ यहाँ पे लिखा रहता है। और यहाँ पर मैंने कुछ स्टिकर लगवाया है, ये मेरा बार कोड स्कैनर, चाहे तो आप लोग स्कैन करके भेज सकते हैं पैसा, नहीं मजाक कर रहा था। और ये शोकेस है, इसमें कांच था तो ग्लास के ऊपर मैंने ये लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सामान है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने स्टिकर लगवा दिया। एक क्रीम कलर का है, एक इधर ब्लैक कलर का है। यहाँ मेरा गैस है, यहाँ पर मैं सब कुछ बनाता हूँ, और ऊपर एक छोटा सा फ़ैन है, इस फैन में खड़ा होकर मैं आराम से हवा देता हूँ जी हाँ। और यहाँ पर सब कुछ सामान है, यहाँ पर एक फ्रिज है, मेरा सामान रखा हुआ है, और एक फ्रिज यहाँ पर है, दो फ्रिज है। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा मेनू है, यहाँ पर पूरा मेनू लिस्ट है। यहाँ कॉफ़ी मशीन है, यहाँ पे जो जगह है वो फाँका है, इसलिए कि कुछ दिन जो मैंने ऑर्डर किया है सैंडविच मशीन, तो यहाँ पे सैंडविच मशीन बैठ जाएगा बस। और थोड़ा बहुत और भी काम करवाना है दुकान में। यहाँ पे टेबल है बैठने के लिए, ठीक है। अगर बारिश वरिश होता है तो मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। बस यही है मेरा शॉप का टूर, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ आइडिया होता है कि कैसे और इसको अच्छा करे, कैसे इसको और भी अच्छे तरह से डेकोरेट करें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, जो भी सेविंग्स है वो धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ब्लॉग है वो यही तक है, 30 डेज कंटिन्यू मैं ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। चैलेंज तो ले लिया, अब मालूम नहीं कि मैं डाल पाऊँगा नहीं डाल पाऊँगा, बट कोशिश पूरी करूँगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलते रहे और मैं रेगुलर एक एक ब्लॉग डालता रहूँ, एक एक ब्लॉग पोस्ट करता रहूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं 30 डेज कंटिन्यू दे पाता हूँ नहीं पाता हूँ। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।